नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के शामली में गौकशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने दो गौकशों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि दूसरे गौकश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक अन्य पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। जनपद शामली के थाना कैराना पुलिस द्वारा कल देर रात मुठभेड़ के उपरांत एक 15,000 के इनामिया बदमाश मुमतियाज को गिरफ्तार किया गया है, जो गैंगस्टर में वांछित भी चल रहा था तथा मौके से ही उसका साथी साबिर भी गिरफ्तार हुआ है। थाना कैराना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कल देर रात ग्राम खुरगान के जंगलों में गोकशी की जा रही है। इस सूचना पर जब थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया तो बदमाशों से उनकी मुठभेड़ हो गई। हरदोई के गैर प्रांतों में फंसे श्रमिकों को लाने के लिए चलाई जा रही श्रमिक एक्सप्रेस की दूसरी विशेष ट्रेन शुक्रवार को 20 मिनट देरी से पहुंची। ये ट्रेन 1301 श्रमिकों को लेकर मोहाली चंडीगढ़ से यहां पर पहुंची। ट्रेन में आए 1301 लोगों की प्लेटफॉर्म पर स्कैनिंग की गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बसों के माध्यम से उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। आज कुल अम्बाला से हरदोई जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई है, इसमें कुल 1301 यात्री आए हैं और इनमें अधिकतर हरदोई जनपद के हैं, उसके बाद उन्नाव के हैं तथा कुछ अन्य जनपदों के लोग हैं। इनको बसों से उनके गंतव्य स्थल तक बाहरी जिले के लोगों को स्क्रीनिंग के पश्चात भिजवा दिया जाएगा। यूपी के बुलंदशहर में एक बार फिर प्रेमी युगल ने खुदकुशी की है। प्रेमी युगल कोतवाली देहात क्षेत्र के नागला इलाहाबाद गाँव का रहने वाला है। प्रेमी युगल का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, जिसके बाद दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये लोग आपस में प्रेम करते थे और घर में इस बात को लेकर के दोनों परिवार सहमत नहीं थे, सहमति बनाने का प्रयास कर रहे थे। 3-4 दिनों से आपस में कुछ कहा सुनी भी हो रही थी और फिर इन लोगों ने अपने स्तर से जा करके वहाँ पर सुसाइड कर लिया। साकर लगा कर अब मालूम ना हुआ, ये बताया बाद कौन पे सागर खुलवाई है, कौन ने ना खोली, कैसे गई है, कैसे ना गई। तो आपने देखी उत्तर प्रदेश की खास खबरें, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ठीक इसी तरह की बाकी खबरों के लिए और उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।